देखो रूही, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो। मैं ये नहीं होने दूंगी, ये नहीं हो सकता। क्या कर लोगे तुम? हाँ बस यार, वही रूटीन की लाइफ जो तुम्हारे जाने से पहले थी। उम्मीद है कि तुम्हारे आने के बाद शायद कोई अच्छा चेंज आ ही जाए। टू बी ऑनेस्ट रोहिल, मैं खुद तुमसे मिलना चाह रही थी, बीजान से मिलना चाह रही थी, बड़े अब्बू से और बाकी सारे लोगों से। मैंने उन्हें बहुत मिस किया। मैडम, जिस बंदे पे तुमने हाथ रखा है ना, उसकी असल ओनर आ चुकी। बहुत जल्द अपना बंदोबस्त करना होगा। मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिलीव मी समरीन। प्लीज यहाँ से चली जा, प्लीज। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमें निकाह कर लेना चाहिए। लेकिन फिर सोचती हूँ कि नहीं, एक दूसरे को थोड़ा और टाइम देना चाहिए, थोड़ा और समझना चाहिए। अरे बेटा कब आई? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। बस अभी भी आई। शायदा ने बताया कि घर में कोई भी नहीं है, लेकिन आप अपने रूम में, तो सोचा कि आपसे आपके रूम में आके मिलूं। बहुत अच्छा किया जवारो, हमारी तो आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। खैर तुम बताओ, अब्बा की तबीयत कैसी है और अपना सुनाओ। डैड बस ठीक ही है, रिकवर हो रहे हैं। दुआ करें कि ठीक हो जाए जल्दी। मैं तो आपके सामने हूँ, बिल्कुल ठीक। हमेशा की तरह प्यारी, माशाल्लाह, अल्लाह ऐसे ही रखे। हमने बहुत दुआएं की भाई साहब के लिए, अल्लाह का शुक्र है कि अब वो बेहतर है। बैठो ना, बैठो। बीजान, वो लास्ट टाइम मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया था ना आपको, तो सोचा कि आपसे अपोलोजाइज कर लूं। मेरा बच्चा, हम अपने बच्चों की बात का बुरा मानते ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं, क्यों परेशान हो। थैंक यू पीछान। वो काफी दिनों से ना मैं कुछ बात करना चाह रही हूँ आपसे, लेकिन हिम्मत ही नहीं बढ़ रही कि कैसे कहूँ। कहो, क्या बात है? जानती हूँ कि रोहेल मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और आप सब भी मुझसे इतना प्यार करते हैं, खास के आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं, कितना प्यार करती हैं मुझसे। लेकिन जब आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आपकी खुशियाँ बहुत बुरी लगती हैं। ऐसा होता है ना जिंदगी में? अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हमारी बच्ची की जिंदगी में। हमें बताओ, कौन है ऐसा जिसे आपकी खुशियाँ अच्छी नहीं लगती? बताएं, हमें खुल के बात करें। फिजान, फिजान, पहले तो मेरे और रोहिल के दरमियान सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब से रूही आई है ना, हाँ लड़ाई झगड़े होते थे लेकिन हम नॉर्मल हो जाते थे, इट वाज नॉर्मल। लेकिन रूही के आने के बाद भीषण, हमारे दरमियान फासले बहुत बढ़ गए हैं। मुलाकात तो दूर की बात, हम फोन पे बात तक नहीं करते, महीनों गुजर जाते हैं। समझ गए हम। देखो मेरे बच्चे, ये जो वहम होता है ना, ये रिश्तों में दरारें डाल देता है। हम रूही को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो बेचारी तो अभी तक अपने शौहर के गम से ही बाहर नहीं निकल पाई। आप वहम ना करें। और रही बात रोहेल की, रोहेल को हम जानते हैं, उसकी नियत, नजर, फितरत
हमारा खानदानी मिरास है। लेकिन बेजान मैंने तो सुना है कि औरत अगर चाहे तो उसके पास मर्द को माइल करने के हजार तरीके होते हैं। वो औरतें और ही होती हैं। रूही को हम अच्छी तरह समझते हैं, रूही हरगिज ऐसी नहीं है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं ना आपके और रोहेल के रिश्ते की जमानत। फिर किस बात की फिक्र है मेरी बच्ची? बस बीजान, मेरे दिल में एक बात थी, सोचा मैं आपसे शेयर करूं, सो कर दी। बहुत अच्छा किया, और ऐसी कोई बात। अगर आप कह रही हैं तो ऐसी कोई बात नहीं होगी। नहीं, बेफिक्र हूं। मेरी बच्ची, एक तो इतने दिनों के बाद आई हमसे मिलने और इतनी परेशान हो के, मुसीबत में डाल दिया मुझे। मैं तो सब भूल गई, काला कहाँ रखना है, पीला कहाँ रखना है और लाल कहाँ रखना है। तुम जैसा पुलक्कड़ तो पूरे खानदान में नहीं है जुबैदा। सफेद वाली कमरे के बाहर या दरवाजे पर जहाँ उसका ज्यादातर आना जाना होता हो, वहाँ किसी भी चीज के नीचे। अच्छा, काली वाली उसके कमरे में किसी भी भारी चीज के नीचे। अल्लाह, ये सब उसके कमरे में जाकर करना किसी मार्के से कम नहीं है। करना तो पड़ेगा भिन्नो, मेरे सारा काम हो तो जाएंगे नहीं। बेफिकर हो जाओ, हफ्ते भर में लौंडिया अगर अपना साजो सामान उठाकर ना भाग गई तो जो 10,000 तुमने बाबा को दिए थे ना वो मुझसे ले लेना, सही है? चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाद में बात होगी। सॉरी भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो समरीन ने कहा था कि पेमेंट जल्दी हो जाएगी, तो बस मैं आपको बताने ही वाला था। सॉरी भाई। आज से पहले जमशेद तुम्हें किस किस सिफारिश में पैसे मिलते रहे हैं? कभी इनकार किया था? नहीं किया ना, तो फिर तुम्हें समरीन का सहारा लेने की क्या जरूरत पेश आई? भाई वो कंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट था ना जो मैंने आपको बताया था, तो समरीन ने कहा कि वो आपसे बात करेगी तो पेमेंट जरा जल्दी हो जाएगी, लेकिन आपने तो खुद ही मुझे पेमेंट दे दी बगैर किसी शर्त के कि अपना कारोबार कर लो। थैंक यू भाई, सॉरी। तुमसे तो यही तवक्को थी मुझे जमशेद, लेकिन आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन समरीन। उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। खैर, अब बताओ क्या इरादा तुम्हारा? जो आप बोले भाई, जो आप बोले। एतबार तो अपना खो चुके हो, अब वो दोबारा बहाल करना पड़ेगा, और उम्मीद करता हूँ कि अब मेरी और तुम्हारे दरमियान होने वाली बातचीत का जिक्र तुम किसी से करने की बेवकूफी करोगे नहीं। कभी नहीं भाई, मैं शम्मू से भी डिस्कस नहीं करूंगा। मैं कसम खाने को तैयार हूं, आप देखिएगा मैं कितनी मेहनत करूंगा। सॉरी।
ओके भाई। सुनो जमशेद। जी भाई। आज रात को तुम दोनों डिनर पे आ जाना। ओके भाई, थैंक यू। दो नंबरी के काम में दो नंबरी मेरी किताब में हराम है और तूने हराम खाया है। शाहजी मैं आपको कॉल करने ही वाला था। असल में माल रास्ते में से किसी ने लूटा है, मुझे खुद किसी ने बताया। मैं दिल का मरीज हूं शाहजी। जब कोई मुझसे खौफ ज्यादा होता है ना तो मैं उसके खौफ को एंजॉय करता हूं। तुम्हारी जिंदगी या मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस मेरा माल मेरी जगह पे पहुंचा दो। दो कस्टम मेड लैंड क्रूजर्स का मतलब है 3 से 3.5 करोड़ रुपए। कैसे हजम करोगे सेठ, उल्टियां लग जाएंगी तुम। हाँ, गोदाम में जो नया माल उतरा है वो शाहजी के गोदाम में पहुंचा दो। हाँ हाँ, मैं जो कह रहा हूं वो कर। शाहजी सब बब्बू का किया हुआ है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। 1 घंटा तेरे पास, मैं कॉल करता हूं आपको 1 घंटे में। आखिरी चांस। थैंक यू सो मच रूही। थैंक यू किस बात का?
कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला। नहीं, वो ऑफ तो हो गया था मेरा, असल में मैम का ड्राइवर बाहर वेट कर रहा था और आप आ गए। आपकी चीट भी ड्यू है ना? किस बात की चीट? भाई वही आपकी बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड वाली ट्रीट। बड़ी अच्छी यादाश है आपकी। यादाश मेरी वाकई अच्छी है, लेकिन आज तो दो सेलिब्रेशंस हैं, एक तो ऑब्वियसली आपके अवार्ड पे और दूसरा रमशा के आने की खुशी में। हाँ बिल्कुल, रमशा के जिक्र से आपके चेहरे का रंग ही बदल जाता है वैसे। समीर और रमशा। What a surprise! Hello, hello, hello! Surprise! Please come, Ramsha. You sit here. And Samreen, join in. What a great surprise, guys! पहले बताते तो ऑफिस से साथ ही आ जाते। मैं किसी को बता नहीं सकता था, because ये हम दोनों की पर्सनल मीटिंग थी। रोहिणी को बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड मिला है, तो हम वही सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए। And food's on me, so feel free to order. No, thank you so much. मुझे भूख नहीं है। You guys carry on. क्या हो गया है भाई? हम यहाँ खाना खाने आए, भूख कैसे उड़ गई? हाँ, खाना खाने आए यहाँ पर, भूख कहाँ उड़ गई? ऑर्डर करो, और इतना अच्छा सरप्राइज देके अब तो हो ही नहीं सकता कि तुम ऑर्डर ना करो। आप काइंडली सर मेन्यू दे दीजिएगा प्लीज। सो व्हाट्स अप रामशा? नथिंग मच। अच्छा है बैग। बीजान आइए आइए भाई। समरीन बिटिया आज हमारे कमरे में। हमारी याद तो वैसे आपको जरा कम ही आती है। नहीं ऐसी बात नहीं है बीजान, वो कुछ कहना चाहती हैं तो कहिए, मगर ख्याल रहे हम ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, बुरी खबर का फौरन असर होता है हम पे। बीजान खबर बुरी तो नहीं है, अगर बात जरा सेंसिटिव है इसीलिए आपको बताना जरूरी है। वो एक्चुअली आज मैं और रमशा एक रेस्टोरेंट गए थे लंच करने, वहाँ रुहेल और रूही पहले से ही मौजूद थे। रमशा पहले से ही रूही से इनसिक्योर है, ऊपर से रुहेल का उसके साथ इस तरह खुलेआम रेस्टोरेंट में बैठना रमशा के लिए काफी शॉकिंग था। अच्छा हम आपकी खबर का मनोहन यकीन कर लें या फिर रूही और रोहेल से इसकी तस्दीक भी कर लें? जी जी आप जरूर कंफर्म करें, बीजान मेरी हर बात झूठ नहीं होती, और वैसे भी ये तकलीफ रमशा की है, वो खुद ही आपको बताएगी। तो आपके ख्याल में रूही और रोहेल का मिलना मायूब है या के आपको उनकी नियत पर शक है? इस बात का तो मुझे नहीं पता, कबीजान रमशा की जहनी कैफियत का मुझे अंदाजा है, वो डिप्रेशन में, लंच के बाद से उसका फोन भी बंद जा रहा है। हम्म,
हम देख लेंगे, आप परेशान नहीं। जी मैं चलती हूँ। हेलो, लगता है आजकल बहुत याद आ रही है मेरी, दिन में मुलाकात और रात में फोन, ठीक है ना? बात मेरे अंदाजे से कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई रोहिल। क्या मतलब? कब तक तुम इस तरह अनजान बने फिरते रहोगे? क्या तो तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या पर तुम्हें कोई परवाह ही नहीं कि मेरे दिल पे गुजर क्या रही है? शमशा Honestly, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रही। क्या हुआ, गुस्सा किस बात पे है तुम्हें? मेरे गुस्से की वजह तुम्हारे दो चेहरे हैं, एक वो जो रूही के साथ है और दूसरा मेरे साथ। मोहब्बत की बातें और वादे तुमने मेरे साथ किए हैं और मुलाकातें तुम कर रहे हो रूही के साथ। You know what? मैंने बहुत दफा सोचा कि मैं जो कुछ सोच रही हूँ वो गलत है, लेकिन आंखों देखी बेवफाई ने ना मेरा दिल तोड़ दिया। रामशाह, honestly, I don't know what to say. किसी को इस तरह मजरूम ठहरा देना कितनी तकलीफ की बात है, तुम्हें आइडिया भी है इस चीज का। और पता नहीं मैं जस्टिफाई क्यों करने लगा इस बात को, लेकिन रूही एक बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर की लड़की है। मैं वही कुछ कह रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम अगर अपनी आंखों से ये शक का पर्दा हटा के देखोगी ना रमशा, तो यकीनन तुम्हें अपनी बात पे अफसोस होगा। I'm sorry to say, रोहिल, मुझे अफसोस होगा नहीं, मुझे अफसोस हो रहा है। तुमने मेरा एतबार तोड़ दिया। I'm really shocked. मुझसे तो बात तक नहीं की जा रही रोहिल। बाय रमशा। दिस रोहिल मिया। अस्सलाम मैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खाना लगवाएंगे आपके लिए? भूखी खत्म हो गई है अम्मी। कभी कभी लगता है कि अब चीजें स्मूथ हो गई हैं और फिर एकदम से कुछ हो जाता है। समझ सकते हैं बेटा, समरीन आई थी हमारे पास, उन्होंने जो बात की वो हमने खामोशी से सुन ली। लोगों की सोच पे सिवाय अफसोस के हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ इंसान के बस में तो नहीं होता ना। अगर सब कुछ इंसान के बस में होता तो फिर ये गम और परेशानी ना होती। मैं रूही का सामना कैसे करूंगा? मैं पहले तो हमेशा इशारे पर बात करती थी, लेकिन अब तो उसने उसका नाम लिया है, मेरी समझ से बाहर है। ये सब बुरा तो हमें भी लगा, लेकिन इस सारे मामले में समरीन का जो किरदार रहा है वो बहुत ही अजीब है। शायद हमारा वहम हो। वहम नहीं अम्मी, हकीकत है ये। मुझे उसकी बातें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन मैं सिर्फ चचान की वजह से खामोश रह जाता हूँ। ठीक करते हो बेटा। अच्छा खाना लगवाते हैं हम आपके लिए, आ जाइए।
मुझे बात करनी है आपसे। कीजिए। All good. रोहेल, आपके और अमशा के दरमियान जो तनाव है और धीरे धीरे बढ़ती दूरियां है ना, इसकी वजह मैं हूं। हाँ, मैं जब तक इस घर में रहूंगी ना, आपके और उसके दरमियान कुछ ना कुछ होता रहेगा। आप और बीजन कब तक मुझे डिफेंड करेंगे? तो मुझे जाना होगा, बस मुझे यही कहना था। आपने जो कहना था कह लिया, और क्या मतलब है आपकी इस बात का? आपके इस घर से चले जाने का मतलब जानती हैं आप रूही, इसका मतलब है कि आपने अपने आप को कसूरवार मान लिया, और मैं उस कसूर में बराबर का शरीक हूं। और क्यों ना करें डिफेंड आपको, आपने इस घर को अपना समझा है, हमें अपना समझा है रूही, और मेरी माँ एक बार जैसे अपना कह दे, उसके लिए तो मैं किसी हद तक भी जा सकता हूं। बीजान की मोहब्बत, आपका खलूस मेरा कुल सरमाया है, इसके अलावा मेरे पास है ही क्या? लेकिन रमशा नहीं समझती ना ये बात, वो तो मुझे अपने रिश्ते का कांटा समझती है, और मैं उसके और आपके बीच मुझे बहुत घबराहट होती है। बस अच्छा नहीं लगता कि सब कुछ आप परेशान, बीजान परेशान, यहां से चले जाने में बेहतरी है। क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं, ये आपके सोचने का काम नहीं, उसके बारे में मुझे सोचने दें। I'll take care of it. अम्मी जान, अम्मी, अम्मी आगे मेरी बेटी, ने याद किया मैं आ गई। मैंने ये बताना था कि राशिदा खाला ने जहां जहां कहा था मैंने तावीज दो तो रख दिए। तीसरे तावीज का कहा था कि किसी भारी चीज के नीचे रूही के कमरे में रखना। मैंने सोचा बेड के नीचे रख देती हूँ, बेड उठा उठा के थक गई, कमर चली गई, पाया नहीं उठा। ला अम्मी जान, अब ये तावीज घंटे की जरूरत नहीं है, आपकी बिटिया ने दुश्मनों का काम कर दिया। कैसे? रुहेल और रूही रंगे हाथों पकड़े गए। अच्छा, ये सब कब हुआ? मैं रमशा को काफी दिनों से कह रही थी कि संभल के रहो, ये रूही ना रोहिल को उड़ा के ले जाएगी, और वो ही सच साबित हो गया। हो गया फिल्म का दी एंड। हम दोनों गए थे रेस्टोरेंट लंच करने, और वहाँ ये दोनों पहले से ही बैठे अपनी मोहब्बत की पतंगे उड़ा रहे थे। फिर क्या हुआ, हम दोनों ने मार दिया छापा, कट गई दोनों की पतंगे। मजा आ गया ये सब देख के। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, लेकिन ये बात मुझे अब बता रही हो? तो बीजान को बताया? ये बात मैं खुद बता चुकी हूँ उन्हें। चलो अच्छा हुआ पाप कटा, बेड उठाने से तो मेरी जान छूट गई। ये तावीज गंडे ना बचा के रखें, क्या पता कब नया दुश्मन पैदा हो जाए। बहुत मजा आया वैसे तो। बहुत ज़हीन हो तुम। रमशा भी थी मजे की बात, अकेली होती तो कोई यकीन भी नहीं करता। हेलो। वैसे तुमसे मेरा बात करना बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी सोचा कि तुम्हें बता दूं। रोहेल सिर्फ मेरा है। आई नो, तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं। अमीर मर्दों को अपनी मजलूमे के जाल में फंसाना उनको अच्छी तरीके से आता है, मगर यहाँ तुमसे हो गई मिस्टेक। रोहेल तुम्हारे लिए इजी टारगेट होता अगर उसकी जिंदगी में मैं नहीं होती। मर्द को औरत की खूबसूरती से मतलब होता है, और तुम्हें, तुम जैसी औरतों को उसकी दौलत से। पता है रमशा, कॉल काटना मुझे पसंद नहीं है, तो जब तुम्हारी बातें खत्म हो जाएं तो प्लीज खुद फोन बंद कर देना। तुमने कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट नहीं कर लिया मुझे? आज के बाद से तुम एक डिफरेंट किस्म की रमशा से मिलोगी, वॉच मी। तो जब रमशा मुख्तलिफ हो गई है तो मुझे पिक्चर भेजो, मैं देखना चाहती हूँ।
कि उसके जर्फ का मयार कितना है, आंखों में पड़े पर्दे का रंग बदला के नहीं। Shut up. आज क्या बन रहा है किशन? खैर है? आज हल्की कर दे चूल्हे की शायद। कुछ नहीं, बस दिल चाह रहा था कुछ बनाने का, वरना आजकल हम किचन में आते कहाँ हैं। रूही नजर नहीं आ रही आजकल किचन में, सब खैरियत है? अपने कमरे में पाई जाती है? वो बेचारी दो दो नौकरियां करके इतनी थक जाती हैं कि कमरे से कहाँ निकलने की हिम्मत होती होगी। यलकाब भी आपने ही दिए ना उसे, बेचारी बेचारी बहुत रहम दिल है, बहुत हमदर्द है, बहुत मोहब्बत करने वाली है, लेकिन बेजान हरकतें उसकी इससे बिल्कुल बरक्स। इतना गुस्सा, खैरियत कुछ कह दिया क्या रूही? उसकी इतनी मजाल है कि हमें कुछ कहे। हाल बता, उसके दामन पर जो ताजा ताजा दाग लगा है उसके बारे में तो इल्म हो गया होगा आपको। जुबैदा बेगम, फिलहाल आप ना हमें इत्मीनान से काम करने दीजिए। ये जो आपकी दास्तान है ना, ये हम बाद में इत्मीनान से सुनेंगे किसी टाइम। बीजान जाग जाए, खुदा के वास्ते ख्वाबे गफलत से आंखें खोल ले अपने। रूही ने अपनी अदाओं के सारे डोरे कस दिए रोहेल मियां पर, और बहुत जल्द रोहेल मियां बगावत का अलम उठाने वाले हैं। अल्लाह बचाए आपकी इन फजूल की पेशन गोइयों से। सुबैदा बेगम, बच्चों के लिए दुआ किया कर, खैर की दुआ बस। बिजन, हमारा काम था आपको बताना, हमने बता दिया। वैसे आप अकेले कुल हैं। ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि बात बढ़ाई जाए तो कुछ देर इंतजार कीजिए, हमारा थोड़ा सा काम रह गया, उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन अकलमंद है और कौन बेअकल। भीषण, हमने तो ऐसे ही बस बात की थी, लगता है आपको बुरा लग गया है, चलते हैं हम। वाह यार, क्या बोलती हो तुम। थैंक यू, बस कभी गुरूर नहीं किया, जस्ट किडिंग। वैसे ये सफाई वाला पार्ट पेड था। वैसे कभी घर के किचन में जाने का इत्तेफाक हुआ है? सारी क्रिएटिविटी चैनल पे दिखाती हो। ना बाबा, मैं तो महीनों तक नहीं जाती। वैसे अम्मी और ताई अम्मी काफी अच्छा खाना बना लेती, और हाल ही में हमने एक मुलाजमा इंपोर्ट की गांव से जो अच्छे खाने बना लेती है। वैसे तुम्हें किस टाइप के खाने पसंद है? कॉन्टिनेंटल फूड भी खा लेता हूँ मैं। आई लव देसी फूड, वो भी लाहौरी तड़के के साथ। अपना तुम मुझे तपा रहे, तुम्हें पता है ना मुझे ना देसी खाने पसंद है ना ही देसी पेंडू लोग। आप ठहरे अपर क्लास अमीर लोग, हम जैसे सीधे साधे लोग आपको कहाँ पसंद आए। तुम तो बड़े क्लासी हो, ब्रांडेड सामान की दुकान। ग्रेट कॉम्प्लीमेंट बॉस, स्टार्ट करें। हाँ, 2 मिनट। चल बॉस, एक्साइज ने गाड़ी बंद कर दी है। तू कहाँ है? बॉस, मैं इधर कोयटा के रास्ते में हूँ, एक्साइज वालों की चौकी पर खड़ा हूँ। जल्दी से साइड पकड़ और निकल वहां से। लेकिन बॉस, गाड़ी। जो कह रहा हूँ वो कर, निकल वहां से। और सुन, कराची मत आना, कहीं और चले जा। ओके ओके बॉस। रेडी, एक्शन। वेलकम बैक टू समरीन्स किचन। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, आज सॉसेस का, तो हम बनाएंगे व्हाइट सॉस एंड रेड सॉस। बेटा, हर औरत की तरह ना रमशा के मिजाज में भी थोड़ा बहुत शक तो है। अगर रोहेल मियां थोड़ी एहतियात से काम लेते तो बात का इतना बदंगड़ ना बनता। बीजान, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा होगा
रोहिन के दिल में मेरे लिए कोई खोट नहीं है, ना मेरे वहमों को मान में ऐसी कोई बात है कि मेरे और रोहिल के रिश्ते को इस नजर से देखा जाएगा। मैंने रोहिल से कहा कि अगर मेरी वजह से आपकी जिंदगी में, आपके रिश्ते में कोई दरार आ रही है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से, और आपकी मोहब्बत ने देखे ना मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया। अभी जान हालात से मुकाबला कर सकती हूँ मैं, और अब कोई क्या कहे ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, हिसाब से फर्क पड़ता है। कितना फर्क है ना, कल की उस डरी सहमी सहमी रूही में और आज की इस रूही में। अच्छा, जब औरत अपने जोरे बाजू पे दुनिया का मुकाबला करने निकलती है ना, तो उसकी राह में आने वाली हर रुकावट खुद ब खुद दूर होती चली जाती। हमें खुशी है इस बात की कि आपने अपने आप को पहचान लिया। और हाँ, ये जो घर से जाने की इजाजत वाली बात है ना, ये कतई पसंद नहीं आई हम। रोहिल मियां कब से इतने बड़े हो गए कि वो आपको इजाजत देंगे? अभी हम हैं, अभी वो वक्त नहीं आया, और ना ही हम आने दें। समझी?